दिनांक 17 अक्टूबर 2023 को नागपुर के पांचपावली क्षेत्र में पुलिस पेट्रोलिंग के दौरान मिली जानकारी से एक व्यक्ति पांचपावली के शैतान चौक के दीवार के पास घातक शस्त्र लेकर घूम रहा था। पुलिस ने तुरंत घेराबंदी कर अपराधी को पकड़ लिया। उसे नाम पता पूछने के बाद उसने अपना नाम शुभम उर्फ विक्की प्रभाकर शंभरकर उम्र 29 वर्ष और रहना बाबा बुद्ध नगर पांचपावली नागपुर ऐसा बताया। आरोपी के शरीर की तलाशी ली गई तो उसके कमर से लगभग 200 रुपए कीमत का एक लोहे का सुरा बरामद किया गया। आरोपी ने माननीय सह पुलिस आयुक्त के मना आदेश का उल्लंघन करने के जुर्म में पांचपावली पुलिस थाने में पुलिस हवलदार दिलीप पवार के शिकायत पर महाराष्ट्र पुलिस उप निरीक्षक कोली इन्होंने आरोपी के खिलाफ कलम 4/25 भारतीय संकलन 135 मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आगे की जांच चल रही है। जय हिंद। PSI राजेश डोंगरे, पाचपोली पुलिस स्टेशन नागपुर। पाचपोली पुलिस स्टेशन च्या अंतर्गत दिनांक 17/10/2023 ला दुपारी आम्हाला माहिती मिळाली की शैतान चौक येथे एक जुना गुन्हेगार आहे, शुभम उर्फ विक्की प्रभाकर शंभरकर व 29 वर्ष, राहणार बाबा बुद्ध नगर। हा हातात एक घातक शस्त्र तलवारी सारखे घेऊन फिरत आहे अशी माहिती मिळाली। पोलीस स्टेशन पाचपोलीचे हेड कॉन्स्टेबल दिलीप पवार आणि यांची टीम यांना त्या घटनास्थळी पाठवण्यात आलं। ते त्या घटनास्थळी गेले। सदरचा आरोपी हा रेड हँड एका तलवारीसह मिळून आला। त्याला विचारणा केली की ही तलवार कशासाठी, त्याबाबत त्यानं काहीही समाधानकारक उत्तरे दिली नाही। त्याच्याकडून ती तलवार जप्त करण्यात आलेली आहे। आरोपी विरुद्ध गुन्हा दाखल केला, लॉकअप केला, त्याला कोर्टात पेश करण्यात आलं। माननीय न्यायालयाने त्याला जेलपास केलेलं आहे। आरोपी हा जो आहे जुना गुन्हेगार आहे। 2013 शैतान चौकचाच एक मर्डर त्यावर दाखल आहे, शिवाय काही चोरीच्या तक्रारी त्याच्या विरुद्धत आहेत। त्या आरोपीच्या घरचे लोक सुद्धा या आरोपीमुळे त्रस्त आहेत। त्याच्या पत्नीची सुद्धा त्याच्या विरोधात पोलीस स्टेशनला तक्रार आहे। सर्व तक्रारीवर कायदेशीर प्रोसेसनुसार कारवाई सुरू आहेत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए पावर ऑफ वन न्यूज को फॉलो कीजिए।